हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो बनाया जा रहा है, अध्याय 11। तो आज का हमारा टॉपिक है डी मॉयवर प्रमेय यानी डी मॉयवर थ्योरम्स। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले तो इसको आप लगाना सीख लोगे, आपको डिमाइवर थोड़ा भी नहीं पता लेकिन करना सीख लोगे। दूसरा ये कि मैंने कितने मिनट में इसकी तैयारी की थी और किस तरह से नोट्स बनाया था और कौन सा क्वेश्चन सिर्फ मेरा बजा था, सब जानोगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो में बहुत धांसू होने वाली है, स्किप करोगे पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर डिमाइवर आता है तो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहला डी मॉयवर, आप नाम सुन लिए हैं, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर यूपी बोर्ड के लिए, खास करके अदर बोर्ड से हैं तो पढ़ सकते हो, क्योंकि डी मॉयवर क्या हो चाहे कुछ हो सबका सेम होता है, बस आगे पीछे हो सकता है, पढ़ना हो बस। चलो यार एक फार्मूला बताता हूँ, इसमें सिर्फ छोटे से फार्मूले हैं। और देखो इनके जो वैज्ञानिक थे ना, मैं बता दूँ यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे अब्राहम थे, क्या था इनका नाम था अब्राहम, ठीक, अब्राहम डी मॉयवर, डी मॉयवर, ये अब्राहम डी मॉयवर वैज्ञानिक थे, इन्होंने फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको दिया है, बस इतनी चीज जान लो, बस ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए जो डी मॉयवर जो आपका होता है ना डी मॉयवर, वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस रूप का होगा तभी डी मॉयवर काम करेगा। एक दूसरी चीज आपने समझ ली, अगला चीज समझाता हूँ। अगली चीज ये है कि एक फार्मूला होता है यहाँ पे, जैसे ये देखो कॉस थीटा प्लस, नहीं कॉस थीटा नहीं करके साइन वाला करो इसको, ठीक। तो इसको करो ऐसे साइन थीटा और प्लस आई कॉस थीटा के पावर यन, ये फार्मूला यहाँ पे लगता है ज़्यादातर, ठीक। तो ये वाला जो फार्मूला, ये देखिए एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ साइन, ठीक है, साइन यन थीटा, यन थीटा प्लस आई, आई इसके बाद देखिएगा साइन करके आपके बुक में शायद एरर करके दिया है क्या, साइन यन थीटा, ये देखिए बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसको छोड़ो यार, ये फार्मूला आपके बुक में ऐसे करके दिया था, मैंने बता दिया देखो ऐसा होगा तो नहीं कहलाएगा, ठीक, इस फॉर्म का होना चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें सिर्फ देखो चार फार्मूले हैं, इसको रट लो, याद कर लो, चाहे कुछ कर लो, लड़ाई झगड़े कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आना चाहिए चार या पाँच फार्मूले हैं। ये देखो मेरी रही नोट्स जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, तब जब आप लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय हैं, मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में कभी रहा होगा, तब की नोट्स है। अध्याय 11 था डी मॉयवर प्रमेय हमने किया था, और देखो मैं A4 साइज पर ही काम करता था, जैसा कि आपको पहले से पता, मैंने कई बार वीडियो में भी दिखाया। तो ये सब देखो इसमें लिखा गया कितने मिनट में मैंने तैयारी की थी, अभी तो ये मैंने सिर्फ वैसे दिखा था किस तरह से काम हो रहा है, ठीक ना, अभी तैयारी वाला पीछे सिस्टम आएगा। तो पहले अभी देख लो फार्मूला, सभी फार्मूले यहाँ के ऑलमोस्ट जितने यूज होंगे सब लिख दिए गए हैं। तो फार्मूला थोड़ा समझ लो, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक पहले फार्मूला इधर छोटा वाला, दूसरा समझ लो फार्मूला। देखो कॉस होता है एक, कॉस होता है और एक होता है माइनस थीटा इसी में, ठीक। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है कॉस थीटा, ठीक। दूसरा एक होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इन दोनों फार्मूले को याद कर लो। अगर ए वाला नहीं याद होगा तो इसको नहीं लगा पाओगे, सभी का बेस यही है क्वेश्चन, ठीक। तो सब समझ गए होंगे आई होप। चलो बताता हूँ अगली टॉपिक्स। अगला टॉपिक ये हमारा है कि देखो इसके पावर यन है ना, ए यन क्या करेगा, पॉजिटिव सब हैं तो इसके पास आके कूद जाएगा बस, ठीक है, एक चीज समझ गए। दूसरी चीज समझाता हूँ, अगर यहाँ प्लस रहे और ए यन के पावर माइनस हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, तो ये होगा कि यन आके यहाँ पे कूदेगा, यानी देखो ये करेगा कॉस माइनस यन होगा और यहाँ पे थीटा रहेगा। अब हमने बताया कि देखो जब माइनस आता है तो यहीं बाहर ही रखे रहेगा, लेकिन माइनस के यहाँ पे अंदर रहेगा कुछ थीटा मिस के, तो खा जाता है मतलब खत्म कर देता है, तो कॉस यन थीटा कर देगा। लेकिन अगर बात करें साइन माइनस यन है और थीटा आया, तो माइनस साइन हो जाएगा और यन थीटा हो जाएगा, यही चीज़ आपकी है, ठीक ना। तो देख सकते हो वही चीज़ कहने का मतलब, साइन के पास आएगा तो यहाँ पे माइनस लेके आएगा, ये फार्मूला भी इसका यूज़ होगा। और दो नंबर के आंसर क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, बड़े वाले 5 के आएंगे, ठीक है। तो दूसरा चीज़ समझाता हूँ, दूसरा चीज़ ये देखो है कि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रहेगा ही, सिर्फ यन कूद कर यहाँ चला आएगा, तो देख सकते हो। और कॉस कॉस प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में ये होना ही चाहिए, तभी काम करेगा, इसका भी ध्यान रहे। अगर यहाँ भी माइनस हो जाए, यहाँ भी माइनस हो जाए, तो गाइस आपका ये होगा, देखिए यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन थीटा और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस कर देगा, इस तरह ही हो जाएंगे। तो यही चार इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अब और कुछ फार्मूले समझा देता हूँ, और फार्मूले देखो ये फार्मूला है,
एक का प्रूफ दिया हूँ, चार तीन का नहीं दिया हूँ, और तीन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ नहीं करना बिल्कुल ईजी है। तो देखिएगा क्या है, अगर ये फार्मूला याद करके इसी पे सवाल लगेगा, वहाँ डायरेक्ट करोगे, वहाँ पर अगर ऐसा करने लोगे तो बहुत टाइम यार बीत जाएगा और आपकी सवाल छूट जाएंगी। तो देखो यार क्या है फार्मूला, कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक, फिर कास बीटा प्लस आई साइन बीटा, यानी दोनों प्लस में है, एंगल भी थोड़ा चेंज है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एंगल तो इसमें अल्फा चला इसमें बीटा चला है, तो प्लस प्लस में है। इस कंडीशन में जो आपका फार्मूला होता है वो बनता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर जिसको करना है कि ये कैसे आया भाई, तो क्या करेगा कि इसको दो सबका मल्टीप्लाई वगैरह कर लेगा, नियम पूर्वक सॉल्व कर देगा और आपका ये फार्मूला आकर रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पे तोड़ दिया और ये देखो ये चीज़ और ये चीज़, देखिए ये वाली चीज़ और किधर गई ये वाली चीज़, इनसे मिल करके कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा, आई तो ऐसे रहेगा, ए हिस्सा बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का बनेगा। तो इस कारण से इसको अगर लिखा है कहीं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ एन का मतलब गिनती, यहाँ एन भी आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो वो गिनती फॉर्म में कहलाएगा। अब देखो उसी तरीके से अगर यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस, तो क्या होता है कि ये जो एंगल दोनों में माइनस हो जाता है, और कास वाला तो हमेशा केस चलता रहेगा। फिर उसी तरीके से यार अगर देखो यहाँ कास है माइनस में है, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब पहले माइनस फिर प्लस आ गया, तो क्या होगा कि सभी माइनस हो जाते हैं। इन सब का ध्यान रखना, यानी पहले प्लस प्लस तो सब प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तो एंगल माइनस, अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस तो सब माइनस, ठीक। अगर दोनों माइनस हो जाए तो एंगल प्लस हो जाएगा, बीच का माइनस हो जाएगा। तो बस यही फार्मूले थे गाइस, अब सब कुछ समाप्त हो गए, फार्मूले रट लो, याद कर लो, जो करना चाहो सो कर लो। चलो दिखाता हूँ कैसे किए गए थी तैयारी और यहाँ कैसे करना है। देखो क्वेश्चन एक एक समझते चलना, पहले एग्जांपल कुछ है, जैसे देखो कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कास टू अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक, इस तरीके से दिए गए हैं। अब देखो यार इसको तो इसके देखो कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यार करते रहोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डिवाइमर से इसको बहुत चुटकियों में किया जा सकता है। वो कैसे कि देखो इसको है ना इसके मतलब यहाँ एन का मतलब क्या है, वन है, तो वन इसके पावर में चला गया मान लो यहाँ पे, अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा देख ले, और यहाँ टू है तो आपको पता है देखो जैसे वो नीचे आता था वैसे ऊपर भी जा सकता है, ठीक, माइनस फॉर्म में भी ले जा सकता है। तो देखो इसके पावर टू चला गया, इसके पावर थ्री चला गया। अब देख सकते हो सभी की बेस समान है तो घाते जो होती हैं जुड़ जाती हैं, यानी तीन दो पाँच एक छः, तो देख सकते हो पावर पूरा टोटल के सिक्स हो जाएगा और ये फिर से नीचे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा ना कितना ईजी यार, इतना ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब चलो यार कुछ और दिखाता हूँ टेस्टिंग। तो वो देखो ये चीज़ है कि देखो ये चीज़ थी और यहाँ माइनस फॉर्म में थी, तो यार देखो माइनस फॉर्म में यहाँ पे तो जानते हो माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कॉस वाले में साइन वाले में पड़ता है, तो माइनस लेके उड़ जाएगा और यहाँ पे करेगा प्लस। तो देख सकते हो दोनों सेम हुए, तो इसके पावर वन इसके पावर माइनस फाइव, तो हो जाएगा माइनस फोर और फिर ये जंप करके नीचे आएगा। तो देख सकते हो रिजल्ट कितना ईजी है यार। अब चलो इमेजिन तरीके से कुछ और चीज़ें टेस्टिंग दिखाता हूँ और देख लो यहाँ पे ए वाले में क्या हुआ, माइनस टू लेके उड़ गया, फिर यहाँ से माइनस थ्री लेके उड़ गया और यहाँ से गाइस इसको चीज़ को लेके उड़ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे आ गया, फिर से जोड़कर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो इससे देख सकते हो। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग सा, बहुत छोटा सा यार, देख सकते हो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ को एक फार्म एक समझ एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना अपना। तो करना क्या है देखो, इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो गाइस होता क्या है कि साइन, देखो हम इस देखो साइन ना, साइन प्लस आई कॉस थीटा दिया है, ठीक। तो मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर कास 90 माइनस थीटा करता हूँ तो फिर से हमारा साइन थीटा ही आ जाएगा, यानी कुछ दिक्कत नहीं है। फिर इतना जब आ जाएगा तो यार कास 90 माइनस थीटा क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि गाइस ये डी माइवर थ्योरम है, और जब कास इधर रहता है और आई के साथ साइन के साथ आई मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है तभी डी माइवर काम करता है, उसी कारण से यार नीचे आ जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो देखा ना यार कितनी इमेजिंग है, इसको ध्यान रखना, ये टाइप इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप पे पूछ लेना, इसको बता दूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यार कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी है, करना बिल्कुल आसान है। तो देखो यार करते कैसे इसको, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इन सब चीज़ें तो है ही है। अब देखो यार करना क्या है कि अब देखो जो प्लस माइनस वाला फार्मूला मैंने बताया था वो आपको आना ही चाहिए। तो देखो यार करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो, तो और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो हमने उड़न ये उड़ाकर हमने बताया फार्मूले को, ये सिंपल वाला जो था हमने कास अल्फा प्लस कास ए वाला, वो वाला भी लगा के करोगे ना तो भी गाइस आपका आएगा ही आएगा। वो कैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हमने एक फार्मूला बताया था, अगर प्लस प्लस में हो तो सब अल्फा जुड़ जाते हैं, देखिए एक अल्फा दो तीन अल्फा तीन छः अल्फा, तो उस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, तो किसी तरीके से कर सकते हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो यार कुछ और इंटरेस्टिंग से दिखाता हूँ, वो ये चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी मतलब नीचे आ जाएगी फिलहाल, और ये वाली चीज़ को हम ले जाएंगे, देखो प्लस है इसको हम ऊपर ले गए डायरेक्ट और नीचे 12 को ठेल दिए, और फिर हम क्या करेंगे सीधा सीधा जो चीज़ें मतलब अल्फा अल्फा के साथ जोड़कर दोनों, देखो दोनों माइनस होंगे तो क्या होता है बीच का माइनस हो जाता है, यही हमने बताया था ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, दोनों माइनस होता है तो क्या होता है
दोनों माइनस के कोस में देख सकते हो 20 का माइनस होता था, तो वही चीज करके बस फटाक से आंसर ले लिया गया। चलो यार देखो वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रट मार लो, चाहे कुछ कर लो, चाहे लड़ाई कर लो, लेकिन आना ही आना चाहिए। वो देखो ये क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, ठीक, और आने के चांसेस भी होते हैं गाइस के। देख सकते हो 2018 में भी आया है और ये बैक पेपर्स में क्या शायद आया था, ठीक है, ये बैक पेपर्स में आया था जो कि जून वगैरह में होते हैं। तो देखो क्या होता है, यक्स आर इज इक्वल टू कास्ट पाई अपॉन टू पावर आर आई साइन पाई अपॉन टू पावर आर, सिद्ध करना है कि इतना बराबर माइनस वन होना चाहिए, यानी इन सब का मान। तो आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है इसको आप मान लो इक्वेशन वन और इसमें आर का मान रख लो। तो गाइस जब आप विभिन्न मान पे यक्स का मान रखोगे, जो है यहाँ तीन रखोगे तो यहाँ भी तीन पावर चलेगा, तो इस तरह से मान रख के अनंत तक आप समझो रख लोगे। तो देखो बिल्कुल लीजिए, कुछ करना नहीं है। तो देखो हम बताते हैं अब यार करना क्या आपको, कि देखो लेफ्ट हैंड साइड उसका ले लो जो आपको सिद्ध करने को बोला था, यही था। तो करना क्या, तीन चार तक गुणा कर लो, इनफाइनाइट तक शो कर दो, यहाँ तक इनफाइनाइट दिखाया गया और यहाँ इनफाइनाइट देख सकते हो। फिर हमने आपको बताया फार्मूला, देखो प्लस वाले कंडीशन में जितने कॉस के पास ये वाले होते हैं सब जुड़ जाते हैं। तो देखो पाई बाई टू है, पाई अपॉन टू पावर फोर है, पाई अपॉन टू पावर एट है, इस तरह से इन्फिनिटी रख और इसको भी जुड़ जाएंगे। तो देखो यार इन्फिनिटी वाला फार्मूला यहाँ एक होता है यस इन्फिनिटी का, ए अपान वन माइनस आर, ठीक है ना, ए अपान वन माइनस आर, ये साथ गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला है। और ए का मान पाई बाई टू, आर का मान एक बटे दो है। तो यहाँ से यार हमने रख कर बस क्या किया, सॉल्व कर दिया यस इन्फिनिटी का, वो तो इस फॉर्म में कुछ हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यार बस सिंपल सा है, जब इतना कर लिए तो बस कैलकुलेशन है, उसके बाद करते जाओगे कास पाई और साइन पाई मिलेगा। और कास पाई हो मतलब कास एन पाई हो तो उसके मान मतलब जो आपके होते हैं माइनस वन में होते हैं, और साइन एन पाई का मान हो बात करें तो उसका मान जीरो होता है। तो देख सकते हो सब कुछ हल कर दिया, माइनस वन लास्ट में बचा, यही रिजल्ट हो गया। बिल्कुल इजी था, लेकिन बड़े बड़े लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन डरने की ऐसी कोई बात नहीं। तो यार दिखाता हूँ एक देखो नया सा और दमदार सा क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने कर दिया था, बट ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैं थोड़ा सा बच गया था, वो मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे गाइस इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, वन प्लस आई पावर एन, वन माइनस आई पावर एन, टू पावर एन बाई टू प्लस वन, कास एन बाई टू पावर, 2002 में भी पूछा गया है। तो करना क्या है कि यार देखो बहुत सिंपल सा आइडिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन प्लस आई इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट वन अपॉन टू, वन अपॉन टू आई कर लेंगे। तो गाइस ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, टू पावर वन बाई टू, कास पाई बाई फोर का मान होता है, साइन बाई फोर का मान होता है। इसी प्रकार से गाइस जब देखो प्लस वाला हमने कर लिया, तो इसी प्रकार से हमने माइनस वाली भी कंडीशन चुन ली, ठीक है ना, इसका मान इतना होते ही है, तो आप याद कर लो, ठीक ना, वैसे भी आ जाएंगे आपको अगर नियम पूर्वक इसको सॉल्व करोगे। तो उसके बाद करना क्या है कि इन्होंने कहा है कि इसके पावर एन करो और जोड़ दो। तो यार देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये किया कि जो दिया था भाई वो लिख लिया, और एन ये जो दो के पावर देख सकते हो जितना था वो सब कर लिए। उसके बाद जो हमने एन, ये जो एन था ना, एन देखो इसके पास भी आएगा और इसके अंदर भी जाएगा, इसका ध्यान रहे आपको। उसी तरीके से इसके यहाँ भी आएगा, तो सब कुछ कॉमन वगैरह होंगे, कुछ चीज़ें कटने वाली हैं तो यहाँ पे कट के खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल वही एन ऊपर ले जाओ नीचे हो जाओ, पूरा पूरे चैप्टर में यही काम ही करना है, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका अगला सोल्यूशन टू पावर एन इतना बचा था, तो भाई इतना बचा था तो इसको हमने क्या किया, जो टू था इसके पावर वन है तो इसको ले जाकर जोड़ दिया, आपका राइट हैंड साइड रिजल्ट आ गया गाइस। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन देख सकते हो, मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, बट बिल्कुल ईजी है। करना क्या गाइस कि देखो इतना दिया गया मूल है तो सिद्ध करना इतना, तो आपको इसके मदद से यक्स के मान प्राप्त कर लेने हैं। फिर आपको करना क्या है कि अल्फा और बीटा के मान प्राप्त कर लें, आपका बीटा है, ठीक। तो अल्फा बीटा जैसे ही मिल जाए तो इसको क्या करोगे, देखो दो से हमने मल्टीप्लिकेशन करके इसको चेंज कर दिया, जैसे कास और साइन के किसी मान में, ठीक। तो देख सकते हो मान में चेंज हो चुका है, कास पाई बाई थ्री का मान है या और साइन पाई बाई थ्री का है, तो इससे मतलब ये 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, तो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है अल्फा के पावर इतना करो इतना करो, और भाई जो ही पुराना नियम था उसी को करके बस टू पावर एन कर लिया, कुछ नहीं किया गया। करने का मतलब नियम पूर्वक थोड़ा सा सॉल्व करो, एन को इधर उधर खेलो कुदाओ, आपका आंसर आ जाता है, ठीक ना। चलो यार कुछ और देखते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग का है तो उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। तो इधर गाइस देख सकते हो आप, एक सामने आपके क्वेश्चन ये आ गया, ये देखो कि टू का सीटा इतना दिया गया है और टू का सीटा इतना दिया है, तो आपको प्रूफ करना इतना इज इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो यार करना देखो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है और ट्रिक्स है, तो इसको करके इधर कर लेना, मतलब सिंपल से सॉल्व कर लेना सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ भी सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन के तौर पे एक्स को इधर भेज देना है। तो आप देखिए यार करते क्या है कि इसको इधर उधर खेल कूद कर थोड़ा सा इधर उधर कर लिए और इस फॉर्म में चेंज कर लिए। जैसे ही वन को लाओगे तो ये देखो ये फार्मूला बनता है हमारा, तो इस फार्मूले को पूरा बना लिया हमने इस तरीके से कुछ, तो देख सकते हो इस तरह फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा में। अब देखो यक्स का इसका मान अगर हम बात करें तो यहाँ से यानी यक्स का मान हमें निकल गया,
ठीक है। इसी प्रकार से गाइस जब यक्स का मान निकल जाता है तो इसी तरीके से बोलना कि वाई का भी हम निकाल सकते हैं, जो कि आप देखेंगे ये मान हमारा हो जाएगा। तो देख सकते हो कास का मान आ गया यहाँ पे फाइव में आ गया वाई का मान, और यक्स का मान वाई का मान मिल गया। तो अब आपको कुछ नहीं करने, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रखने हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे रख दिया, अब इतना तो सॉल्व करने आना ही चाहिए दोस्तों। कैसे सॉल्व किया कि देख लो, यक्स वाई का आपने मान रख दिया और जानते हो अल्फा ये सब जुड़ते हैं, ठीक। बस इतने करने, कुछ नहीं करना यार इन दोनों को। देखो कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कास बीटा प्लस आई साइन बीटा वाला फार्मूला लगा लेना, यानी अल्फा अल्फा जुड़ बीटा बीटा जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे क्या करोगे गाइस, आप इन दोनों को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएंगे। अब देखो यार जब माइनस हो गए तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे फिर भी नीचे जुड़ने लायक रहेंगे, मतलब अल्फा अल्फा बीटा बीटा से तो जुड़ जाएंगे और माइनस वन नीचे आके जंप कर जाएगा। देख सकते हो इधर कहीं जंप कर गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे जंप करेगा दो चीजें कट जाएंगी, यही चीज बचेंगी। और देख सकते हो ये टू, देख सकते हो टू कास थीटा प्लस फाई का फार्मूला बन जाता है जो कि यहाँ पे है। तो देखा ना कितने अमेजिंग तरीके से यार हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बिल्कुल इजी है यार, इससे आसान पूरे आपके मैथ में कोई चैप्टर है ही नहीं, ठीक ना, डी माइवर से आसान, ठीक। लेकिन सिर्फ समझना है, थीटा को इधर उधर ले जाना है बस, ठीक, एन को इधर उधर ले जाना है। देखो ये क्वेश्चन दिया गया इफ इक्वल टू, इतना तो आपको प्रूफ करने, इतना भाई अपना समझ लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो बोल रहा है, तो आपको क्या करने हैं, तो आपको देखिए x इज इक्वल टू आपको मान लेना है कास अल्फा वाला बीटा वाला साइन अल्फा आपका दोगे भैया जीरो होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद करना है कि आपको पता है कि कास अल्फा कास बीटा कास ये सब एक साथ हो जाते हैं और जुड़ के इधर हो जाएंगे। अब देखो जब इधर से हम क्या करेंगे, इस जीरो वाले को हम इस वाले फॉर्म में चेंज करके, मतलब जीरो प्लस आई जीरो करके, तो जीरो ऑलरेडी रहेगा ही था पर भी, लेकिन तुलना कर लेंगे तो इतने का मान हमें जीरो मिल जाएगा। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, तो इसको तैयार कर लेना। समझ लो क्या यक्स वाई जेड का मान दिया गया है इतने बराबर जीरो, तो सबका मान यार यहां से रख लो, फिर उसके बाद क्या इससे तुलना करके इनको जीरो कर लो। जीरो जैसे ही कर लोगे यार तो आपको क्या करना है यहां समझ लो, क्योंकि इसको आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो गाइस यहां पे आप मान रखोगे ऊपर ले जाके करोगे तो माइनस सबके अंदर चला जाएगा, तो कुछ माइनस बन जाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। और देख सकते हो जब यहां पे आप इन दोनों का मान प्राप्त होगा तो इससे लाके रखोगे तो आपको रिजल्टेंट में जीरो प्राप्त होगा, यानी आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। देखा ना कितने अमेजिंग तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी देखिए प्रश्नावली भी स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन है, सबको देख लो यार फटाफट से। वो देखो क्वेश्चन ये है कि वन प्लस कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव और वन प्लस कॉस फाइव आई साइन फाइव पावर एन, आपको इतना प्रूफ करने हैं। तो गाइस देखो बिल्कुल इजी है इसको प्रूफ करना, तो आपको करना क्या है कि देख सकते हो वन है ना, वन को आप क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते हो वन है, तो ये देखो कास फाई है, तो देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या इन्होंने छेड़छाड़ कर दी है। तो यहाँ पे देखो इस वन को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे फार्मूले का जानते हो, किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कास हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि मतलब कास टू थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान देना कास टू थीटा वाला, लेकिन इसमें कौन सा, ए वाला फार्मूला यूज करेंगे, टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला। क्यों ऐसा करेंगे दोस्तों, इसके लिए क्योंकि यहां से दोस्तों ये माइनस खत्म हो जाएगा तो हमें रखने में आसानी, तो इस फार्मूले को हमने थीटा फाइव मतलब हाफ एंगल में रखा, ये वन खत्म हुआ, सब कुछ हुआ। अब देखो यार करना क्या है कि अब आपको पता है कि ये जो यन होता है, देखो कास और थीटा आई में चला गया बिल्कुल, तो यहाँ से यार करते क्या है, नीचे फेंक देते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से हमने नीचे फेंक दिया मतलब यन वगैरह को, तो यन देखो जब सबके पास चले गए तो हमने नीचे फेंक दिया भाई, कुछ इस तरीके का मिलेगा, तो दोनों देखो सेम बन गए दोस्त, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट लास्ट में वही बच जाएगा। कुछ यार बिल्कुल ईजी है, इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा होना ही है। अब देखो यार अब क्वेश्चन में यार नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग दिखा दूंगा किस तरह से अब प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है 11.1, जो कि हो सकता है यह बुक से हो, किसके क्या बोलते हैं वो जो नई वाली दूसरी प्रकाशन की एक बुक होती है, जिसपे आरती पब्लिकेशन शायद करके होता है, ठीक है ना, बट अब मैं सार्थक से दिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, सार्थक आरती सब कुछ देव है, लेकिन पढ़ना सिर्फ हमको है, ठीक। तो यार करना क्या है कि उसमें कैलाश सिन्हा राइटर है, जो आपके आरती पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से कुछ ये वाला क्वेश्चन नीचे फेंक दोगे, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को भी कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ रहा है कि नहीं, सब क्वेश्चन समझो प्रैक्टिस हो, लेकिन आंसर भी दिया हो, नकल मत मारने लेना, ठीक है, इसका ध्यान रखना, नकल नहीं मारनी आपको, इसको आपको अपने सॉल्व करना, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना। और देख सकते हो ये मेरा रॉन्ग हो चुका है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक ना, मेरा रॉन्ग शायद हो चुका है, मैंने या कुछ एरर है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एरर हो जाती है भाई कभी कभी, तो उस समय हुआ था शायद, कहीं सुधारा भी होऊंगा मैं, ठीक है। तो इधर देख लो ना अगला क्वेश्चन आपके सामने, देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन गाइस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है सब कुछ, ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों के यार आप प्रैक्टिस एक बार कर सकते हो, अगर करना चाहते हो कुछ अच्छा खासा, तो इस तरीके से भी सब भी क्वेश्चन है, देख सकते हो इसी तरीके से बड़े वाले भी क्वेश्चन, और देखो एक न्यू क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा है, तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो यार आइडिया काफी सिंपल है कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहे हैं, सिर्फ एन को इधर उधर फाइव थीटा मान करके सब कुछ किया गया है।
अभी देखो हम प्रूफ दिखाने वाले हैं, हमने तैयारी जब की थी कथब के लिए तो, लेकिन अभी उससे पहले कुछ और चीज़ें उसको भी देख लो। ये देखो उसी का प्रूफ यहाँ पे सामने पूरा लिखा गया है। एक क्वेश्चन देखो ये चीज़ आ रही है, इतना इज इक्वल टू कास्ट जाता इतने का मान ज्ञात करना है, तो आपको देखो यार सिंपल से करना है, इसको सॉल्व करते हुए जाना है, यक्स का मान ज्ञात करना, नियम पूर्वक हमने ज्ञात भी किया है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जब कर लोगे तो यार तो आपका राइट हैंड साइड में क्या आएंगे। ठीक, तो देखो यार राइट हैंड साइड जब यक्स पार हो जाएगा तो भाई पावर आर करके लगा लेना, आपका रिजल्ट बचेगा। देखो यार इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कह सकते हो, इस तरीके क्वेश्चन दिया गया था, कह रहा इतना प्रूव करो, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे और इस वन को थीटा बाई एंगल वाला फार्मूला लगा के हटा दोगे। जैसे ही हटाओगे यार यंग को नीचे जंप कराओगे और जंप कराते ही आपका जो कटना होगा कटेगा, रिजल्ट मिल जाएगा लास्ट में। ठीक ना, बिल्कुल ईजी यार, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकते। चलो यार इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। वो ये है कि कह रहा है इतना इज इक्वल टू इतना, तो इतना बराबर इतना है, तो ये वाला कंडीशन प्रूव करके हमें बताओ। ठीक, तो क्या हमें करना है कि एक्स पावर एम वाई पावर एन, वाई पावर एन तो एक्स पावर एम, तो इस तरीके से इस कास वाले का मान निकालना, देख सकते हो ये आएगा। अगर दोस्तों ये चीज आ गई तो इसी तरीके से हम अगर वाई वाला निकालेंगे तो कुछ हमारी इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो कास का आ गया और इसका आ गया, दोनों सेम रहेंगे या इसी प्रकार करके सकते हो, हमने दिखा दिया इसमें दोनों कैसे करते हैं। तो देखो यार करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हमारा माइनस फॉर्म रहेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना, वाई पावर यहाँ पे एक्स पावर, ये दोनों माइनस में रहेंगे यार। अब कुछ बिल्कुल सिंपल हो चुका है, सबके मान को बस रखना ही है एक्स वाई को। ठीक, तो देखो यार करना कुछ नहीं है, एम पावर सब कुछ वही है, सिर्फ हमने मान को रख दिया एक्स वाई के। तो देखो यार जैसे हमने रख दिया सब कुछ, एन को जंप करा दिया, फिर हमने क्या किया कि जैसे नियम पूर्वक हमको पता है कि जो प्लस होते हैं उसके साथ ए ऐड करते हैं, ओ ऐड करते हैं, उसको सब नियम पूर्वक ऐड कर दो। तो देख सकते हो दो चीज़ें सेम मिली, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाले के साथ रिजल्ट आएगा। अब चलिए दिखाते हैं कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स। अब देखो आप मेरा लेक्चर देखो, जब मैंने अपनी तैयारी की थी तब के लिए देख लो, डी माइवर पर में 12/11/2018 को हमने तैयारी इसकी की थी। ठीक, और तैयारी मैंने किया था 55 मिनट में, और हमारा भाई सब कुछ टाइम से होता था उसमें, लेकिन इस थर्ड सेमेस्टर में उतना टाइम से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से देख सकते हो तैयारियां हुई थी काफ़ी अच्छी भाई, और यहाँ पे देख सकते हो कि 55 मिनट में सिर्फ हमें मेथड क्लियर करने थे, हमने सब कुछ कर लिया था और मेथड क्लियर करने में सिर्फ इतने पेजेस लगे थे, और एक क्वेश्चन जो कि ये वाला है जो कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया था। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं यार फटाफट से सॉल्व करते हुए, चलो अपना देखते चलो इस तरीके से करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन आपका लिया, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और ऑलमोस्ट सभी को आप ही को सॉल्व करने हैं, हम तो सिर्फ मेथड आपको क्लियर कराएंगे। तो देख सकते हो गाइस बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला तो आपको मास्टरमाइंड है ही हो क्योंकि हमने इस पर तीन चार क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके मदद से आपको एक्स वाई का मान निकाल लेना है, इसके मदद से भी एक्स का मान, इसके मदद से वाई का मान, और इसके राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड में रख करके इतने रिजल्ट को पा लेना है। हालांकि हमने यहाँ पे सब कुछ कर भी दिया है लेकिन हम उसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि चीटिंग साफ करेंगे भाई, तो थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड वाइंड लगा के भाई कर लेना। ठीक ना, तो उस तरीके से भाई सब कुछ जो दिया था सब कुछ कर लेते हैं हम। देखो यार अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। ठीक, तो इतना इज इक्वल टू दिया था, जेड इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, तो उसी तरीके से यार करना कुछ नहीं है, जेड का आपको मान निकाल लेना और इस फार्मूले में ला के रख लेना, इतना रिजल्ट मिलेगा। देख सकते हो बिल्कुल अमेजिंग है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कितने टाइप का क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन और टाइप्स, वो हालांकि शायद हमने पहले बता भी दिया था और ये वाला क्वेश्चन भी तो बता दिया था, इसको वन को हटाना हाफ एंगल लगा के और नियम पूर्वक सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, इसमें यार सब कुछ काम जो खेल है सब यन का है। ठीक, तो चले देखते रहो सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, ये देख सकते हो सब इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल लगा के बनाओ वो बनाओ ऐसा बनाओ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये देख सकते हो उसी तरीके से गाइस ये वाला जो कास वाला फार्मूला था अभी हाफ वाला, तो उस वाले का इस्तेमाल करके हमने किया है, या तो इसको माइनस वन भी कर सकते हो इसका मान लेकर। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ और भी क्वेश्चन है, बीटा गामा में भी था, तो इसको कर लो भाई और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको एक दो क्वेश्चन हमारे बजे थे, हालांकि हमने उसको सही कर लिया। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं इस तरीके देख सकते हो क्वेश्चन कुछ हमने प्रैक्टिस कर रखी थी उस समय के लिए। अब देखो यार इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लो नज़र मार के। ठीक है, तो नज़र मार के आप फटाफट देख लो इसका, देख लो इधर से, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा बजा था तो पावर 4 था। ठीक, थोड़ा सा हमारे साथ भूल गया था लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ से देखो करते क्या है कि हम इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा सा है दोस्तों, अब देखना दोस्त ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा सा है, और मैं दावा के साथ कर सकता हूँ लगभग 75% लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं अभी दिखाने वाला हूँ, देखो मैं भी कर दिया था लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल मतलब दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को किया जाता है। देखो क्या मेथड है ना गाइस, इधर देखो
इसके पावर फोर है यानी दोनों पावर फोर कल आएगा इस तरीके से। ठीक, ये देखो मैंने भी किया था, गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैंने अपने सर से पूछ लिया था, उन्होंने कहा देखो ऐसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो यार ऊपर वाला तो बिल्कुल सही है, कास प्लस आई साइन। ठीक, तो ये तो डिवाइवर काम करेगा लेकिन नीचे नहीं काम करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई वाले को सीधे से हम क्या करेंगे, सिंपल सा नीचे कॉमन कर लेंगे। देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन कर लिया आई को। ठीक, तो आई पावर फोर बाहर भी निकले क्योंकि पावर फोर है, तो यहाँ से गाइस आई पावर फोर का मान हमने कल ही बताया था कि वन होता है, जो कि वन कर देगा। फिर यहाँ से गाइस देख सकते हो कॉस प्लस आई साइन अल्फा, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ चीज़ें जो हैं आपके यहाँ से नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक ना, तो यहाँ से देख सकते हो इस फॉर्म में जब अगर हो जाएंगे, हालांकि यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट्स लग रहा होगा इस तरह से कैसे हो गया, तो आई पावर माइनस वन समझ लो ऐसा वैसा हो गया भाई, ऐसे ही लगभग ऑलमोस्ट होंगे भाई आपके क्वेश्चन। तो यार करना क्या है कि देखो आई पावर माइनस वन ऊपर जंप वंप करके जाएंगे तो भाई इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपके हो जाएंगे चार, और यहाँ पे यार नियम पूर्वक सॉल्व कर लोगे इस तरह के आ जाएंगे। और मैं कुछ दावे के साथ नहीं कर सकता कि यहाँ कुछ थोड़ी बहुत एरर्स भी हो सकती हैं। ठीक ना, थोड़ी बहुत इस क्वेश्चन में एरर भी हो सकती हैं, तो अपना गाइस समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरे पे शायद अटका हुआ है क्या ऐसे कुछ, तो अपना एक बार मिला लेना इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, जिसमें मुझे डाउट्स रहता मैं तुरंत बताता हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी बताया ही यार। तो अब चलो कुछ और क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो उसको भी बता देते हैं फटाफट से। हाँ, ये क्वेश्चन देखो यार, दिख रहा है कि यदि इतना और इतना मान दिया है तो x बराबर इतना और y बराबर इतना हो जाएंगे, तो आपको प्रूफ करना है कि इतने का एक मान इतना होगा या नहीं। तो यार देखो x y दिया तो इसका मान आपको इसमें ला के रखने हैं और नियम पूर्वक सॉल्व करना है, यान को मतलब एक जंप में कराने भाई, या तो सीधे जोड़ लेना अपना। तो इस तरीके से यार आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से मान आपको देखो जो कट जाएंगे तो इतना बचेगा, तो हाँ है, हम बोल देंगे है भाई। ठीक, तो इसी तरीके से यार देखो एक दूसरा इसमें अगर टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई के मान आप यहाँ से ज्ञात करके। और देखो इस तरीके के अगर देखो ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा स्पीड समझ लो, साइन और कॉस में इस फॉर्म में आ गए तो भी यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो चलो यार कुछ और चीज़ें बची हैं तो हम उसको भी बता देते हैं। और एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ इंपॉर्टेंट था, इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। वो कैसे करना है इसमें अब थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वो ऐसे है कि आप मान लोगे ये क्वेश्चन देखो दूसरे मेथड से आई के पास मतलब वन प्लस आई इज इक्वल टू इतना कर लोगे और तुलना कर दोगे वन आ जाएगा, इससे तुलना करोगे। ठीक, तो यार करना क्या है कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दोगे तो आर का मान अंडर रूट टू आ जाएगा। अगर समकर दो में से तीन में से दो का भाग दो टेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही आएगा तो आप प्लस का मान इसको ले जाके आप इस वाले समकर में रखेंगे तो आपका देख सकते हो वन प्लस आई का मान आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक ना, उसी तरीके से यन फॉर्म लगा के इस तरह कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यन फॉर्म वाला ये चीज़ है, तो यहाँ पे टू पावर यन हो जाएगा, मतलब यहाँ से जंप करके यहाँ भी यन आएगा तो सबके पास चला जाएगा। उसी तरीके से गाइस इसी प्रकार आप बोल देंगे वन प्लस आई, और यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरा फंसा था क्वेश्चन, देख सकते हो सर ही ने मेरे सर ने ही हल किया, बट वो अब कॉलेज में नहीं है, छोड़ के चले गए भाई दूसरे कॉलेज। तो यहाँ पे देख सकते हो यार कि कुछ इस तरीके से यन नीचे आ जाते हैं, और फिर देखो जब ए वाला मान पता चला, ए वाला मान, तो बस दोनों को एडिंग करनी थी, तो जोड़ोगे तो यार देखो सिंपल सा इतना आएगा, लेकिन टू पावर वन यहाँ पे ऑलरेडी है तो इस तरह जुड़ेगा तो यार आपका रिजल्ट ये बताएगा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। तो अभी तक तो बातें हुई नॉर्मल, अब कुछ और इंपॉर्टेंट दिखाता हूं क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर तो अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब नॉर्मल का जमाना खत्म, अब आ गया थोड़ा सा तगड़ा वाला क्वेश्चन। तो इस तगड़े वाले क्वेश्चन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो क्वेश्चन चलता है कुछ इस टाइप वाला, जो कि देख सकते हैं डिवाइवर प्रमेय की सहायता से ए प्लस आई बी के पावर वन बाई एन का मूल ज्ञात करना होता है, जो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, और यही वाला क्वेश्चन मेरा बोर्ड में फंस गया था। ठीक, लेकिन मैं आज जो ट्रिक्स दूंगा इसकी मदद से मतलब कोई फंसेगा नहीं, वहां पे थोड़ी सी एरर हो गई थी उसमें, उसमें माइंड में नहीं चढ़ पाए थे। ठीक, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, डाउट्स वगैरह सब कुछ है यार, तो कर ले जाओगे। उस समय भी थे लेकिन कोई दिक्कत वगैरह हो गई यार, मतलब अपनी गलती तो अपने को जल्दी नहीं पता चलती ना, नहीं तो अपने से भी कोई गलती करो तो देख लेना जल्दी नहीं पता चली, कोई बताएगा तभी पता चलता। ठीक, तो देखो यार इस मिनट में आपको क्या करना है, तो इसको समरी संख्या ध्रुवी रूप में लिखना पड़ता है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसको रूप में लिखो, फिर थीटा की जगह 2r पाई या 2n पाई प्लस थीटा का इस्तेमाल करो, इसके बाद डिवाइवर प्रमेय लगाओ यानी n को जो रहता है उसको नीचे कूदाओ, फिर r का मान विभिन्न रख के आप मूल को प्राप्त करें। ठीक, तो देखो यार आइडिया काफी सिंपल है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको आना चाहिए, अगर अब तक इसको नहीं समझ पाओगे तो कुछ नहीं समझा। तो देखो यार करना क्या होता है, देखो 1 के पावर 1 बाई 3 का डिवाइवर की मदद से समस्त मान ज्ञात करने हैं, समस्त का मान मतलब वही r का मान 2 4 तक रख के बता दो बस। ठीक, बस इतना करने हैं, तो इसका देखा ध्यान देना, या तो कह सकते हो कैसा चीज कि ये जो पावर 3 है यहाँ 3 उसके 3 तक जा सकते हो, या 4 है तो 4 के पावर तक जा सकते हो। ठीक, तो देखो यार करना क्या है कि 1 का निकालना है तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करके तुलना कर लेनी है। तो देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन की यहाँ से तुलना कर ली, तो देख सकते हो अब देखो यहाँ पे हमने तुलना कर ली, देख सकते हो भाई यहाँ पे हमने तुलना कर लिया तो क्या बन गया,
हमने फिर बताया कि 2r पाई या 2n पाई के फॉर्म प्लस जीरो वाला है तो थीटा है, तो थीटा जीरो था, तो यहाँ इस फॉर्म में चेंज कर लो, जीरो तो भाई उसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार थ्री होगा। फिर हमने दोस्तों आपसे ये बताया कि जो एक बटे तीन है इसको नीचे लाओ, ठीक, तो देख सकते हो दो बटे तीन हो जाएगा, ये फॉर्म बचेगा। जैसे ही दोस्तों मिलेगा, आपसे कहा था कि आपका मान इसका समस्त मान ज्ञात करो, तो r बराबर r0, r1, r2 इतने के मान के रखने पर, ठीक। तो करना क्या कि आपको सिंपल सा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो देखो r बराबर जीरो रखोगे यानी इस वाले में जीरो रख दो r बराबर, तो जीरो रखोगे तो यार तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वन मिलेगा। फिर इसके बाद r बराबर जब वन रखोगे तो माइनस वन बाई अंडर रूट टू मिलेगा, अगर r बराबर और इतना प्लस में करके मिलेगा, इसका भी ध्यान रहे, ठीक। और यहाँ पे अगर इसमें रखोगे तो माइनस वन बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री, इस तरह से कोणों के मान प्राप्त होंगे। बस यही चीज़ समझनी थी, अगर जो इसको नहीं समझ पाया वो कुछ नहीं समझ पाया यार, इसका ध्यान रहे। अब देखो इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो ये है कि देख सकते हो वन माइनस आई के पावर है, तो दोस्तों माइनस आई है तो क्या मैं इसको नहीं लिखता हूँ, जीरो प्लस और यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो माइनस मतलब आई हो जाएगा और यहाँ पे वन के पावर, ये हमारा वन है और ये आई है, इसके पावर एक बटे चार, ये भी है लेकिन उसको डायरेक्ट में क्या दिया, माइनस आई के पावर वन बाई फोर के समस्त मान ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा यार, करना कुछ नहीं है कि आपको इसके क्या करने हैं कि ध्रुवीय रूप से तुलना करनी है। जैसे ध्रुवीय रूप से तुलना होती है आप थीटा देखो 2r पाई वाला फार्मूला करके यहाँ लगाओगे, फिर आपको मतलब फिर n को नीचे कूदा दोगे जो कि डिवाइडर पर में, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इस फॉर्म में आता है आपको क्या करने हैं गाइस, यहाँ से ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं आपके, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज शायद यहाँ थीटा, हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे r का मान रख के समस्त मान प्राप्त कर लेना, बस कुछ नहीं। अब देखो यार जो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इन क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई आपकी घाटे हो जाएंगे, वो ये है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक ना, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो कई टाइप्स होते हैं लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन करके भी इसको सिंपल बनाया जा सकता है, लेकिन हम पहले इस वाले को समझ लेते हैं। वो ये है कि गाइस अगर देखो x पावर 4 है, इसका आपको डिवाइवर निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसके काल्पनिक और वास्तविक भागों से तुलना कर देनी है। तो देख सकते हो हमने जब यहाँ x था तो यहाँ पे माइनस वन था, ठीक, माइनस वन था, तो भाई हमने इसको इधर मतलब माइनस वन था, यहाँ से हमने तुलना कर लिया, तो देख सकते हो ये काल्पनिक फॉर्म इसका बन गया। अब यार आपको पता है कि वन फोर है, अगर x पावर से इधर फोर है इधर ले जाते तो एक बटे चार हो जाता था, और पेपर में मुझसे यही गलती हो गई थी, एक बटे चार मैंने सिर्फ नहीं किया था और सब कुछ ऑलमोस्ट सही था। तो आपको देखो थीटा भी पता है, सब कुछ पता है, ये नीचे आ जाएगा, सब कुछ वैसे रहने दो, खाली करना क्या है, r बराबर मान लो कि इतना मान रखने पर तीन तक का, चार तक आया था, जीरो से रखना चालू करो तीन तक, ठीक, इस तरह से कर सकते हो, यहाँ तक करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो यही चीज़ था, तो भाई आप हल कर लोगे, दो चार मान तक आप दिखा दो, बस उतने करने होते, ज़्यादा नहीं किया, अनंत तक करते जाओगे, ठीक। तो देखते हो लास्ट में रिजल्ट यही आ जाता है। उसी तरीके से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, और करने तो आप ही को पड़ेंगे, ठीक। वो जैसे ये देखो जेड पावर सिक्स से चल रहा था, अगर मैं यहाँ से जेड पावर फोर कामन कर लूँ और यहाँ से माइनस वन, देख सकते हो इस तरह से कुछ कामन हो जाएंगे और इस तरीके का बन जाएगा कामन करने पर। तो कामन करने पे गाइस देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका है इन दोनों की माइनस एक बार जीरो सबको करोगे तो इस तरह से दो मान आपके पास आएंगे। तो हम जेड पावर वाला फोर वाला पहले देख रहे हैं, ठीक, इस तरह से जेड पावर फोर वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फोर वाले में हमने तुलना कर लिया तो आर धनात्मक पूर्णांक है, तो देख सकते हो इस तरीके से आर पाई आ जाएगा, जीरो थीटा था इसलिए नहीं आया। तो आर का मान के मतलब जब तक जो आर का मान यहाँ पे आया था आपका, इसी की जगह जीरो वन टू रखे होगे, यही सब आपका मान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से जेड के लिए भी कर लेना अपना, फिर क्या करना है 2n पाई और प्लस थीटा वाला करना, 1 बाई टू करना और लास्ट में आपका रिजल्ट होगा। तो देख तो इसी तरीके से r बराबर एक दो तीन चार पाँच रखने पर, यहाँ दो ही था तो 0 1 रखें, अगर इस पर चार तक आता तो चार तक, ऑलमोस्ट चार तक ही आता है ज़्यादातर करके, ठीक। तो यार देखो छः तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिंपल देख कर देता है क्वेश्चन। और दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देख लो यार बिल्कुल ईजी है। करना क्या हुआ कि x माइनस वन से हमने क्या किया, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे यार मल्टीप्लिकेशन करोगे x माइनस वन से ना, तो ये सब चीज़ें जो है अंदर वाली सब जीरो हो जाएंगे फटाफट, तो सिर्फ यही दो चीज़ बचेगी। और इसके मान को आपको इस फॉर्म में चेंज करने हैं, जैसे ही चेंज होगा तो डिवाइडर लगाने हैं, आर का मान रखना और रिजल्ट लेना है। यानी कहने का मतलब यार आपको सिंपल सा करना है कि इसको आई फॉर्म में चेंज करो, फिर आई फॉर्म में चेंज करने पर 2n 2r पाई प्लस थीटा फार्मूला लगाओ, n ऊपर है तो n को नीचे लाओ डिवाइडर से, फिर इसके बाद जो लास्ट बचता है वो r फॉर्म में रहेगा तो r का मान रखो, रिजल्ट लो, यही पांच नंबर का है यार, समझ लो। अब इस तरह से क्वेश्चन इधर भी देख लो भाई अपना, बिल्कुल ईजी है। अब देख लो कुछ होमवर्क इधर भी, दो होमवर्क दिए हैं दो चार, इसको देख लेना भाई, और अपना उत्तर भी अभी मिल लेना, मैं उत्तर भी दिखा देता हूँ। देख लो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन और इस सभी क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ट्रिकी है, सब कुछ सीख सकते हो, इतने क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है का संकेत भी दिया है, ठीक। तो इस तरह से कर लेना यार। अब देखो यहाँ पे आपका कुछ कंडीशंस वगैरह हो जाती हैं, और हाँ
यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि एक चीज़ ये होती है ना कि यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा नेटवर्क पर सर्च कर लेना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो यार, जब प्लस चलता है, मेरा दूसरा नोट्स पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ प्लस और माइनस के लिए अलग अलग थोड़ी सी कंडीशंस होती है, उसको अपना समझ लेना, ठीक है ना। वो प्लस और माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस वन आया था, कहीं प्लस वाला भी हो तो उसको भी देख लेते हैं भाई थोड़ा सा, तब आपको बता दे। तो जैसे जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि प्लस और माइनस के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसको अपना समझ लेना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मत सोचना कि हमेशा ऐसा ही होगा, तो थोड़ा सा करके देख लेना इसको, अगर इस आंसर भी इसके सही है ऑलमोस्ट सब, ठीक है। तो इसका देख लेना एक बार, और इस आंसर को भी आप यहाँ से देख लो, ठीक। तो सब आंसर हो गए, सब क्वेश्चन हो गए, सब कुछ डाउट्स यार आपका क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने लगा कर नहीं बताया क्योंकि थोड़ी सी टाइम कमी थी, लेकिन फिर भी यार आपको मेथड मैंने बता दिए कैसे कैसे करने हैं, कुछ सिंपल सा वो दो चार फार्मूले जो हमने इधर अभी दिखाए थे आपको, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये चार फार्मूले याद कर लो, बस इसी पर सब फार्मूले पर काम होगा। इधर नहीं फार्मूले हैं बस, और थोड़े से बेसिक फार्मूले आपको आने चाहिए। और इस वाले क्वेश्चन के लिए तो रट्टा मार लो, कैसे लगता है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, और पिछले साल भी एक क्वेश्चन यहाँ से आया ही था, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।